कंस रखा, कंस। कंस आंगन में धीरे 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 थोड़ा बड़ा हो गया, कितना बच्चों में खेलने के लायक। कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। और कंस उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हो गया, जैसे ही बड़ा होता गया वैसे ही उपद्रव बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। एक दिन मथुरा के लोग गुरुसेन के पास में शिकायत लेके जाते हैं, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो, तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, क्या करें हम मथुरा को ही छोड़ दें, और छोड़ना ही पड़ेगा लगता है क्योंकि आप तो अपने बच्चे को समझाते ही नहीं। उग्रसेन ने जब सबकी शिकायत सुनी तो एक बात सोची, कंस को बुलाया, बोले बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम मथुरा के लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार करते हो, वो राजा राजा नहीं होता जिससे अपने प्रजा से प्रेम ना हो, राजा किसी एक का ना नहीं होता है, राजा तो सबका ही है, न किसी एक भाई का होता है न किसी बहन का होता है, और तुम प्रजा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, क्या सुन रहा हूं। और कंस ने जैसे इतने शब्द सुने उठ के खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। जवाब दिया सभा के लोगों, देख लिया आप लोगों ने, सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात यह भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इन्हें यही नहीं मालूम है कि राज्य कैसे चलता है, क्योंकि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब माफ करना, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, आप लोग हमें बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा, बोला। कोई नहीं बोला। और जो कंस के पीछे घूमन वाय रहे उठ के खड़े हो गए, महाराज की जय हो, अगर आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या है। और जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, कंस राजा बन गया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के इन्हें जेल खाने में डलवा दिया, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। हम अपने लिए राजा नहीं हुए, राजा हुए हैं तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए, लेकिन हाँ हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अरे अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून चलाएंगे, हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काहे को जला देते हो भाई, हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, जाने बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है, किसी को कोई दुख है कोई कष्ट है कोई तकलीफ है तो बोलो। कोई नहीं बोला, हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें। मैं ये चाहता हूं आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। बड़े दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ा दुख है, और मेरा हृदय बड़ा दयालु है, मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता। ए जल्ला दो, सुना नहीं तुमने, इन्हें बहुत बड़ा दुख है, अगर ये जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, और मर गए तो दोबारा दुख नहीं होगा, इतनी ऐसा करो इन्हें पकड़ के ले जाओ और फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो किसी को कोई दुख है,
बोले महाराज बड़े आराम से रह रहे, दुख तो हो ही ना सकता। कंस जब राजा बना डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता, कहेंगे कैसे कहेंगे तो मारे जाएंगे, बच ही नहीं पाए। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, जवाब दिया मंत्री जी महाराज दिखता नहीं है क्या, मैं शादी के योग्य हूं और मारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ करूं भाई। मंत्री कहता महाराज मगर देश के जो राजा है जरासंध, इनके घर में दो बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति जिनका नाम है, आप उन्हीं के साथ में शादी करें। दोनों लड़कियां जो थी दोनों के दोनों चंद्रमा नयुदियारी पर अस्थि और प्राप्ति देखने में बड़ी सुंदर। कंस जो था पहुंच गया जरासंध के नजदीक, बोले पहचाना आपने, बोले आप कौन नहीं जानता, समझाया। आप तो मथुरा नरेश हैं, पूछा नहीं किस लिए आए, बोले आप बता दीजिए, बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा, मंत्री से सलाह मिलाई, मंत्री ने एक बात बताई, महाराज अपने यहां कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। कंस से ये कहो अगर तुमने उस हाथी को हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। वही शरत जरासंध ने रखी, तो कंस कहने लगा जरासंध कहा है तुम्हारा हाथी, हाथी
हाथी हार गया, विवाह कर दिया, 80 प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता और मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु, लेकिन मैं देखता हूं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, कष्ट होता है, इसलिए ऐसा करो सिपाही अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। अब तो कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा, महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते, क्या दशा बना दी महात्माओं को। लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाइए, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। भगवान ने आकाशवाणी की है, जब आप दिया पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। इधर बताया कंस के घर में जो चचेरी सात बहनें थी, सातों बहनें बसदेव के लिए ब्याही गई थी, बसदेव बटेश्वर के रहने वाले थे, सूरसेन के पुत्र थे, सबसे छोटी बहन थी देवकी, सब बहनों से ज्यादा कंस देवकी को चाहता था। सबने यही सलाह मिलाई है बसदेव जी के, बड़े अच्छे विचार है, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, और देखना तो चाहिए कैसे विचार हैं कैसे नहीं है। विवाह किया, बड़ा दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, बड़ा दान दिया, और देवकी बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। अब आप लोग सोच रहे हो कोई लड़की पहली बार जाए ससुराल में और रोए ना, कैसे हो सकता है। कहते तो ये है कि रोना ये तब नहीं चलता था, इस बात में चला कब से, जब अपना देश भारत गुलाम था मुसलमानों का, तब से आजाद तो हो गए, रोइबे की प्रथा नहीं छूटी, और रोइबो का है भगवानी दुआ से, वैसे रोना नहीं चाहिए। अरे अब तो हमारी बहनें बेटियां समझदार है, अब नहीं रोती है, लेकिन बेचारी करेगा, कोई अगर लड़की न रोए ससुराल को चली जाए दोबारा लौट गया है तो और तो चैन भी ना लेन देती, ले गई तो कूद के बैठ गई को आंसू ना डर। अब तो जदसा है, कोई कोई लड़की बेचारी ऐसी होती जो मैं रोई हुए नहीं जानती, लेकिन फिर भी रोई हुए पत्तो है, ससुराल चले सहेलियां विदा करती हुई बोली है, क्या बोली तुम जा रही हो, बिना करती बोली कि जा मेरी बहन,
और तुम्हारा बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चले। कंस आ और जवाब दिया, बहन जी भैया पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? ऐसा करो रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दें। रथ में बिठा लिया कंस, बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। कहता जा रहा है, देखो बहन तुम अपनी ससुराल को जा रही है,